दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, डीयू में बावन कॉलेज में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। डीयू प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है बिना किसी हंगामे के मतदान करें। ये अपील है प्रशासन की छात्रों से। सुबह 8:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। शुक्रवार को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अक्षय दहिया उम्मीदवार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जिसकी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है अक्षय दहिया। वहीं एनएसयूआई से चेतना त्यागी चुनावी मैदान में है। एआईएसए से दामिनी केन अपनी किस्मत आजमा रही है। पूजा राठौर शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। पूजा, वोटिंग चल रही है, नजारा आप देख पा रही होंगी, क्या स्थिति बनी हुई है, मतदान प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट की जो वोटिंग थी राठौर वो खत्म हो चुकी है और अब सेकेंड शिफ्ट की वोटिंग शुरू हो गई है जो कि अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और 7:30 बजे तक ये जारी रहेगी। तो ऐसे में हालांकि अगर हमने सुबह की बात करते हैं रंजना, तो जो वोटर टर्न आउट था वो बहुत जो आमतौर पर जितनी भीड़ हमें वोटर से देखने को मिलती है, जितनी भीड़ हमें स्टूडेंट्स की वहाँ देखने को मिलती है, उतनी आज नहीं देखने को मिली है। और इस बात को वहाँ मौजूद जो तमाम छात्र संगठन के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी नोटिस किया है और मान रहे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वोटर टर्नआउट कम रहा है, वोटर परसेंटेज कम रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर रिजल्ट पर बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन वो उसके पीछे वैलिड रीजन भी दे रहे हैं रचना, जैसे कि पहला था छात्र भी बहुत कम वक्त मिला था और ऐसे में छात्रों के बीच जाना पूरी तरीके से वो उनके लिए नहीं हो पाया था। दूसरा रीजन एक मौसम बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है कम ही बाहर निकले। तो ये तमाम वजह उन्होंने गिनाई भी और मान भी रहे हैं कि इसका जरूर असर नतीजे पर भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है तो बिल्कुल वो अपनी जीत भी सुनिश्चित मांग रहे हैं। जिससे भी आप बात करेंगे सभी कैंडिडेट अपनी जीत को लेकर बिल्कुल दावेदारी ठोक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पूजा ये जो वोटिंग इतनी स्लो प्रोसेस में नजर आ रही है, छात्रों में जो उत्साह नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है, कारण क्या इसका? देखिए रंजना, शुरुआत से जब से इस साल के जो चुनाव का जब ऐलान हुआ था तब से ही माहौल बेहद फीका रहा। हालांकि शुरुआत में जब मुख्य विवाद उठा तो लगा था कि एक विवाद उठा तो इस बार जो है माहौल बेहद गर्म रहेगा, छात्र संगठन है बेहद जोश में रहेंगे, लेकिन वो मामला भी एक दिन उठा और उसके बाद ऐसा दबा बिल्कुल जिक्र ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिस तरह से लिंगो कमेटी के जो रूल्स हैं उसको लेकर जिस तरह से डीयू प्रशासन सख्ती बरत रहा है, कहीं ना कहीं ये भी रहा इसके पीछे की बहुत ही सख्ताई से उन सब चीजों का पालन हुआ है, जिसकी वजह से छात्र संगठन ने भी काफी सहयोग दिया। ये बात डीयू प्रशासन भी मान रहा है कि इस बार जो छात्र संगठन है वो भी उसने जो है भी कह सकते हैं, जिस तरह से हर साल हम देखते हैं कि वहां पर गुंडागर्दी और सड़कों पर बेहद लक्ष्मी गाड़ियां देखने को मिलती है, इस बार उतना नहीं था, था जरूर लेकिन उतना गर्म माहौल इस बार देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस बीच उम्मीदवारों के साथ मारपीट की खबरें भी आई हैं, उन पर हमले की खबरें भी आई हैं, वो सब चीजें रही, लेकिन जो कुल मिला के जो एक चुनाव लड़ने का जो जज्बा दिखाई देता है, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो छात्र संगठन हो, वो जरूर फीका दिखाई दिया। दूसरी तरफ क्योंकि जो मुख्य मुकाबला था वो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही देखने को मिल रहा था, हालांकि आईसा जरूर खड़ा था लेकिन उसको मुकाबले से दूर ही रखा जा रहा है क्योंकि लेफ्ट का डीयू में उतना वर्चस्व नहीं है जितना जेएनयू में देखा जाता है। सीवाईएसएल जो कि चौथी पार्टी जिसने पिछले साल लेफ्ट के साथ आईसा के साथ गठबंधन करके जो मैदान में उतरा था, इस बार उसने विधानसभा चुनाव को देखते हुए, हालांकि उन्होंने रीजन ये दिया कि वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं लेकिन वो मांग उनकी मानी नहीं गई इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे, तो वो भी मैदान से हट गए। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बार के चुनाव का जो जिसने रंग जो है फीका कर दिया और असर ये दिख रहा है कि जब वोटिंग के दिन जब हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स निकलेंगे वो भी नहीं हो पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए।